नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनाव की हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर खास नजर इसलिए भी है क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भले ही शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है क्योंकि नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। 1:30 बजे तक चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए परिणामों के मुताबिक ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 4,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं क्योंकि 5वें राउंड तक शुभेंदु अधिकारी 34,430 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, तो वे ममता बनर्जी को 30,655 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से दोनों के बीच वोटों का काफी अंतर है। ये आंकड़े ममता दीदी की बेचैनी जरूर बढ़ाने वाले हैं। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट रही है, तो वो है सीट नंदीग्राम की। अगर इस सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारती हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। भले ही राज्य में टीएमसी शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े से आगे है, लेकिन दीदी के नंदीग्राम सीट से पिछड़ने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं वो इस सीट से अपने प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी से मात तो नहीं खा जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये ममता के साथ ही पार्टी में भी चिंता पैदा करने वाली स्थिति पैदा कर देगा। दीदी की हार आने वाले वक्त में राज्य की राजनीति और टीएमसी के प्रभाव को प्रभावित करेगी। कुछ ऐसे सवाल और कयास भी स्थानीय तौर पर लगने शुरू हो गए हैं कि ममता बनर्जी के हारने से पार्टी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही पार्टी राज्य में चुनाव जीत जाए, लेकिन ममता की हार से टीएमसी में एक सवाल उनके उत्तराधिकारी को लेकर उठेगा। ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ाया है, उससे आसार है कि वो आगे भी भतीजे पर मेहरबान रह सकती हैं। ऐसे में पार्टी में बगावत के सुर उभरने की आशंका है। खासतौर से अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में नाराजगी बढ़ जाएगी क्योंकि उनकी पार्टी पर पूरी तरह से प्रभाव है। यहाँ तक कि नीतिगत फैसलों में उनका काफी दबदबा रहता है, जिससे कई दिग्गज अक्सर नाराज रहे हैं। अभिषेक को ममता के राजनीतिक वारिस के रूप में देखा और माना जाता है। केवल यही नहीं, हारने पर अभिषेक बनर्जी की वजह से दीदी की छवि को भी झटका लगेगा। तो देखा आपने किस तरह से ममता बनर्जी इस बार चुनाव में हारती हुई नजर आ रही हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।